हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जैसे जानते हैं कि 12th HSC के जो रिजल्ट से डिक्लेयर कर दिए गए हैं हमारे महाराष्ट्र बोर्ड द्वारा। दोस्तों, तो आज आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप किस तरह से भर सकते हो, आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हो, वो आज मैं यहाँ पर आपको बतलाने वाला हूँ। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। आपको गूगल पे सर्च करना है सिंपली मुंबई यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन। मैंने कुछ इस तरह से किया और मैं यहाँ पे एंटर दबा दूंगा। अब आगे की प्रोसीजर्स मैं बताऊँ, उससे पहले मैं चाहूंगा कि वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में एक प्यार से कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आने वाले आपके जितने भी एडमिशन प्रोसेस होंगे, जितने भी फॉर्म्स होंगे, सारी डिटेल आपको हम यहाँ पे उपलब्ध करवा सके। दोस्तों, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला रिजल्ट आ चुका है रजिस्टर का। मैंने रजिस्टर पे क्लिक कर दिया। दोस्तों, अब यहाँ पे मैं सबसे पहली चीज यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ आपको कि कुछ आपको रेड कलर का यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसपे लिखा है कि स्टूडेंट्स जो है अपनी प्रोफाइल, अपना शेड्यूल फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए वो कुछ दिनों में ही क्या कर सकते हैं, जैसी अनाउंसमेंट होगी। दोस्तों, लेकिन अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन अपना करके रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करूंगा दोस्तों। फिर यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट का डिटेल है, तो मैं यहाँ पे वो फिल करना चाहूंगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ आप सभी को एक डेमो देने के लिए। अब यहाँ पे अब आप जिनका भी नाम एंटर कर रहे हैं उनके साथ आपका क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे एंटर, जैसे इनका इनके फादर का नाम है तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ डॉक्टर कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एंटर किया, अब यहां पे मैं उनका डेट ऑफ बर्थ एंटर करूंगा। अब उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है कुछ, और दोस्तों मैं बता दूं, आप प्लीज ये सारी डिटेल्स थोड़ा ध्यान से भरिएगा, सारी चीजें करेक्ट भरिएगा, क्योंकि एक बार करने के बाद फिर ये शायद वापस आपका एडिट ना हो दोस्तों, ठीक है। अब मैं यहां पर एक रैंडम नंबर एंटर करूंगा, लेकिन आपको ऐसा फोन नंबर एंटर करना है जो आपके पास हमेशा अवेलेबल हो, ताकि जिसपे कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो इंफॉर्मेशन क्या आ सके। दोस्तों, अब यहां पे मैं एक ईमेल आईडी एंटर करना चाहूंगा। दोस्तों, अब यहां पे मैंने एंटर कर दिया। दोस्तों, अब यहां पे आपके के सामने इतनी सी चीजें करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे आई हैव सॉफ्ट कॉपी ऑफ माय पासपोर्ट साइज कलर फोटो, फिर ईमेल आईडी, प्रूफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी सारी चीजें बाकी डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, पासिंग, गैजेट नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें करनी होगी। और यहाँ पे आपको क्या टिक करना होगा दोस्तों, आप यहाँ पे जैसे ही टिक करोगे, अब यहाँ पे आपको एग्री करना है, एग्री करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक जानबूझ के गलती की थी, वो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं कि आपको किसी तरह का भी क्या स्पेस नहीं एंटर करना है, किसी भी तरह का स्पेस नहीं एंटर करना, वरना आपका फॉर्म क्या सबमिट नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी होगी फॉर्म भरने में तो आप हमें कॉल कर सकते हो, नीचे आप देख सकते हो लोअर थर्ड में हमारा एक नंबर ब्लिंक हो रहा होगा, तो आप उस पर हमें कॉल कर सकते हो। आप यहां पे देख सकते हो कि आपका जो यूजर नेम है वो आपको आ चुका है D21CQ0034187 आपका आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आपके मोबाइल पे आपने जो भी मोबाइल रजिस्ट्रेशन के लिए दिया था, नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए दिया था, अब उस पर एक OTP गई होगी दोस्तों, साथ ही साथ आपका एप्लीकेशन नंबर भी गया होगा यूजर नेम, तो वह आपको OTP देखने, अभी मेरे फोन में अभी तक आया नहीं है, अब थोड़ी देर में मेरे फोन में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे OTP आ चुकी है और यहां पे मैं एंटर कर रहा हूं दोस्तों। और आपको बहुत ही ध्यान से भरना है दोस्तों, सारी चीजें ध्यान से भरनी, क्योंकि आप बाद में ये चीजें क्या शायद एडिट नहीं होगी। अब यहां पे मैं पासवर्ड एंटर करूंगा। दोस्तों, आप अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड रख सकते हो। अब यहां पे आपको कंफर्म करना होगा। यहां पे मेरे पासवर्ड थोड़ा और स्ट्रांग बना दिया दोस्तों। अब आप देख सकते हो कि यहां पे मेरा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आगे की चीजें नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक जो
प्रोफाइल फिल करने का, प्रोफाइल फिल करने का जो अनाउंसमेंट अभी तक हुआ नहीं है, जैसे ही वो अनाउंसमेंट हो जाएगा हम उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो बना देंगे और आप वहां पे अपने एप्लीकेशन क्या फिलअप कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई, अगर समझ में आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में एक प्यारा से कमेंट किसके लिए कर दीजिएगा, गिरी ट्यूटोरियल्स बॉयज सर के लिए कर दीजिएगा दोस्तों। और हम आपके लिए ऐसे अपडेट्स लाते रहेंगे, जितने भी हमारे फॉर्म्स होंगे आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड सारे फॉर्म्स हम कि किस तरह से भरना है, कब भरना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्या प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो आपको नीचे लोअर थर्ड पे एक नंबर चल रहा है जो है 8369153655, तो हमारी पूरी गिरी ट्यूटोरियल्स की टीम जो है लगातार बनी हुई आप सभी की मदद करने के लिए, तो हम वहां पे आपको हेल्प आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बाय, थैंक यू सो मच दोस्तों, और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ।